सो गाइस अगर तुम भी चाहते हो अपने लिए एक पर्सनल वेबसाइट क्रिएट करना, वो भी बिल्कुल फ्री में विदाउट कोई पैसे पेड किए हुए, बिना कोई कोडिंग किए हुए। गाइस भले तुम अपना वेबसाइट या यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हो, या फिर अपने बिजनेस के लिए, या फिर किसी भी फील्ड के लिए आप अपना एक पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हो बिना कोई पैसे पेड किए हुए, तो कैसे कर सकते हो, कैसे अपना एक पर्सनल वेबसाइट बना सकते हो। देखो गाइस आज के वीडियो में बस मैं यही बात करने वाला हूँ कि तुम अपने लिए एक पर्सनल प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो बिना कोई पैसे पेड किए हुए, वो भी बिल्कुल इजी स्टेप में। तो यार आज की वीडियो में बने रहो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस यार देखो यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद मेरी भाई देखो सबसे पहले मैं आपको एक अपना वेबसाइट दिखा दूँ जिसको मैंने अपने खुद के लिए क्रिएट किया था आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो गाइस देखो ये मैं अपना वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। गाइस ये जो देख रहे हो ना, ये वेबसाइट मैंने अपने लिए एक छोटा सा क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे वेबसाइट में मेरा यहाँ सबसे पहले मेरे YouTube का लोगो है और छोटा सा वेबसाइट है और यहाँ पे मेरे बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरी वीडियोज है। देखो गाइस तुम भी कुछ इसी तरह की प्रोफेशनल वेबसाइट अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, इससे भी अच्छा क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने नॉर्मल छोटा सा एक वेबसाइट क्रिएट किया था। यहाँ पे आगे तुम अपने से बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, तुम्हें जैसा पसंद है अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ आज का आज जो हम वेबसाइट बनाने वाले हैं वो किसके थ्रू बनाने वाले हैं। गाइस देखो आज हम लोग विक्स साइट के थ्रू एक वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, नॉर्मली अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पर जाके सर्च मारना है wix.com। जैसे तुम ये सर्च मारोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो ये जो पहला वेबसाइट देख रहे हो ना, इस पर तुम्हें क्लिक करना है। जैसे तुम इस पर क्लिक कर दोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। इस तरह का तुम्हारे सामने पेज नहीं खुलेगा, यहाँ वहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर तुम क्लिक करोगे तो वहाँ पे तुम्हें अपने ईमेल से वहाँ पे तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से ईमेल से लॉगिन करके रखा है और यहाँ पे मैंने 3-4 वेबसाइट बनाए थे अपने लिए। मैं सीख रहा था वेबसाइट बनाना, मतलब एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो आप जैसे वहाँ पे गेट स्टार्ट पे करके आप अपना ईमेल आईडी वगैरह दे दोगे, वहाँ पे ईमेल आईडी से लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, गेट स्टार्टेड वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आने के बाद मेरे भाइयों यहाँ पे तुम इसे पूछा जा रहा है कि तुम किस फील्ड के लिए अपना वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप अपने फील्ड के हिसाब से अपना यहाँ पे नाम डाल देना। दो गाइज मैं बताने वाला हूँ यूट्यूब वालों के लिए जो अपना यूट्यूब चैनल के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करने क्रिएट करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तुम नॉर्मली आके बिजनेस जैसे तुम टाइप करोगे मेरे भाइयों, तो तुम्हारे सामने देखो यहाँ पे आगे ऑप्शन में सजेशन में, तो जैसे मैं बिजनेस पे टाइप करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ टाइम वेट लगता है क्योंकि यार वेबसाइट क्रिएट होने में थोड़ा सा पेज धीरे लोड होता है, ठीक है, नेट का कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा पेज लेट ही खुलता है। तो जैसे तुम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू वांट टू ऐड योर वेबसाइट, मतलब तुम अपने वेबसाइट में क्या क्या ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे अपने हिसाब से अपने फील्ड के हिसाब से तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना बुकिंग, ऑनलाइन स्टोर, अगर तुम कोई ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हो ऑनलाइन परचेज के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो यहाँ पे तुम अपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना अपने हिसाब से। जैसे मैं यूट्यूब वालों के लिए बता रहा हूँ तो यहाँ पे यूट्यूब वालों के लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे मैं वीडियो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे और भी ऑप्शन तुम सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कर लेना, बस मैं वीडियो के लिए बता रहा हूँ कि तुम अपने वेबसाइट में कैसे एक वीडियोज अपनी यूट्यूब की लगा सकते हो। तो यहाँ पे तुम जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। तो गाइज ये दो ऑप्शन का मतलब है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुम यार ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो क्रिएट योर वेबसाइट विद द एडिटर, मींस गाइस इसका यही है, अगर तुम ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तुम्हें सब काम खुद से करना पड़ेगा। अपने वेबसाइट का टेम्पलेट का कलर वगैरह अपने से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर तुम्हें करना आता है, तुम करना चाहते हो खुद से सब कुछ, तो तब तुम यहाँ पे आके एडिटर टेम्पलेट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। और एक जो ऑप्शन मिल रहा है अगर तुम इस पे क्लिक करोगे तो सामने वाली जो टीम है आपको ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से एक वेबसाइट क्रिएट करके दे देगी। तो गाइस मैं आपको एकदम शॉर्टकट वे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ मैं दिखाता हूँ कौन सा पेज खुल के आता है आपके सामने। तो गाइस जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो सामने वाले तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें अपने ब्रांड का क्या नाम रखना है। तो तुम अपने ब्रांड का अपने वेबसाइट के ब्रांड का नाम यहाँ पे टाइप कर देना जो तुम्हें यहाँ पे रखना हो। तो मैं अपना ही नाम नाम टाइप कर देता हूँ, उज्ज्वल संथालिया, मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दे रहा हूँ मेरे भाइयों।
तो अगर मैं अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुमसे लोकेशन वगैरह पूछा जा रहा है, तुम इसे स्किप भी कर सकते हो, इसे ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमसे इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, एड्रेस, फ़ोन नंबर और सोशल अकाउंट, तो यहाँ पे तुम अपने हिसाब से फिलअप कर देना। यहाँ पे मैं कुछ फिलअप करने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पे तुम अपने चैनल का लोगो या फिर अपने बिजनेस का लोगो या फिर खुद का फोटो एक ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सब कुछ अपना सब कुछ यहाँ पे तुम फिलअप वगैरह कर देते हो। तो यहाँ पे अपना वही फ़ोन नंबर देना जो तुम अपने बिजनेस के लिए देना चाहते हो, कि अगर तुम्हारे वेबसाइट में कोई आए और तुमसे वो कंसल्ट करने का कोशिश करे तो वहाँ पे तुम्हें जो आपकी टीम की नंबर मिले, ना कि आपका पर्सनल नंबर यहाँ पे मत डालना। तो यहाँ पे तुम आके नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे फिर तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें अपने वेबसाइट के लिए फ़ंड कैसा चाहिए, मतलब वो जो लेटर होता है ना वो किस डिज़ाइन में चाहिए। तो यहाँ पे अपने हिसाब से एक मैनुअली सेलेक्ट कर लेना, तो मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको बताने के लिए बस। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस जैसे इतना काम कर दूंगा तो आप मेरे सामने कुछ फिर इस तरह का पेज खुल के आएगा, पिक योर फेवरेट होम पेज डिज़ाइन। मतलब गाइस यहाँ पे तुम्हें तीन वेबसाइट के होम पेज खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है होम पेज कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है, अपने हिसाब से तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तुम्हें जैसा होम पेज पसंद आ रहा है वैसा आके यहाँ पे तुम होम पेज सेलेक्ट कर सकते हो। मीन्स गाइस अगर तुम्हारा कोई वेबसाइट खुलेगा तो तुम्हारे सबसे इंटरफेस में मतलब फर्स्ट उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो कैसा होना चाहिए, तो अपने हिसाब से तुम यहाँ पे आके सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थर्ड वाला क्लिक करता हूँ आपको बस नॉर्मली बताने के लिए। तो गाइस यहाँ पे अब पूछा जा रहा है ऐड पेज टू योर साइट, मतलब यहाँ पे तुम कौन कौन से पेज अपने साइट में ऐड करना चाहोगे, तो अपने हिसाब से तुम सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे तुम चाहो तो पूरी जितने भी पेज है यहाँ पे सबको रहने दे सकते हो और यहाँ पे अपने हिसाब से हटा भी सकते हो। गाइस देखो अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है तो ठीक है, नहीं तो यार तुम नॉर्मली अपने यूट्यूब चैनल वगैरह के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारी कोई टीम तो नहीं होगी मेरे भाई। अगर हो भी सकती है अपने हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे टीम को अनसेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ, अबाउट सेक्शन रहने देता हूँ, प्रोडक्ट रहने देता हूँ, प्रोडक्ट यहाँ पे आपकी वीडियोस आ जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब वही है। और यहाँ पे आवर सर्विस भी चलो यहाँ पे मैं रहने देता हूँ, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट रहने देता हूँ, यहाँ पे एडिटर साइड कर देता हूँ। गाइस देखो यहाँ पे तुम अपने हिसाब से सबको सेलेक्ट कर सकते हो जैसा तुम्हें पसंद है, मैं एक नॉर्मली आपको बताने के लिए बस सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारे सामने एक नॉर्मल छोटा सा वेबसाइट क्रिएट होके आ चुका है, मतलब यहाँ पे हमारा एक वेबसाइट क्रिएट होके आ चुका है, छोटा सा नहीं। अब यहाँ पे तुम्हें आके अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे तुम्हें टाइप करना होगा। तो गाइस यहाँ पे देखो सबसे ऊपर में यहाँ पे मेरा नाम है, मीन्स या मेरे कंपनी का ब्रांड है उज्ज्वल संथाली। अब तुम चाहो तो यहाँ पे अपने कंपनी का लोगो लगा सकते हो या फिर अपना फोटो लगा सकते हो। तो उसे लगाने के लिए क्या करना है, जैसे ये मेरा फर्स्ट इंटरफेस है, फर्स्ट पेज है, मैं यहाँ पे अपना कर्सर ला के यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा। एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोगो इमेज, मैं इस पे जैसे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लोगो आ जाएगा। अगर तुम चाहते हो इस लोगो को अपने लोगो में चेंज करना, अपना कोई पर्सनल लोगो लगाना जो आप अपने यूट्यूब चैनल का लोगो या फिर अपना फोटो लगाना, तो यहाँ पे तुम लोगो पे क्लिक कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ और रिप्लेस पे क्लिक करना, रिप्लेस पे तुम जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सामने तुम्हारे आ जाएगा अपलोड मीडिया, अपलोड मीडिया पे क्लिक करना। और अपलोड मीडिया पे तुम जैसे क्लिक करोगे तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करना। और अपने एक समय मैं दिखाता हूँ, मैं अपने डाउनलोड पे जाता हूँ, मैंने अपना लोगो डाउनलोड करके रखा था। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने डाउनलोड के ऑप्शन में जाता हूँ, लोगो को अपना यहाँ पे एंटर मार देता हूँ, यहाँ पे मतलब सेव कर देता हूँ। जैसे मैं अपना लोगो यहाँ पे सेव कर दूंगा तो मेरा जो लोगो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ये जो देख रहे हो मेरे यूट्यूब का लोगो यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। जैसे अप्लाई कर दूंगा तो ये जो देख रहे हो उज्ज्वल संथाली है, यहाँ पे मैं उसके बगल में मेरे ब्रांड का मेरे चैनल का लोगो आ चुका है। गाइस ये तो हो गया हमारा पहला काम। और दूसरा काम यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जैसे वेलकम टू उज्ज्वल संथालिया, और यहाँ पे तुम अपने बारे में अपने इंक्वायरी लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो अपने बारे में कर सकते हो, अपने चैनल के बारे में कर सकते हो। तो उसके करने के लिए आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे तुम्हें ये ऑप्शन एडिट करना है। तो यहाँ पे आओ, अपने हिसाब से तुम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हो जैसे तुम्हें करना है। यहाँ पे ये फोटो देख रहे हो, इसे तुम्हें चेंज करना है तो फिर से एडिट पे क्लिक करके तुम फोटो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तुम डिज़ाइन भी इसका चेंज कर सकते हो, जैसा तुम्हें डिज़ाइन चाहिए वैसा डिज़ाइन रख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही करके तुम यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पेज देख रहे हो सब कुछ कर सकते हो। गाइस तो बात करते हैं कि तुम्हें यहाँ पे इस ऑप्शन में अपनी यूट्यूब की वीडियोस कैसी ऐड करो, ठीक है। ये सब तो तुम खुद से कस्टमाइज़ कर लोगे जैसे मैंने बता दिया। देखो इस ऑप्शन में अबाउट ऑप्शन में आके फिर से तुम एडिट पे क्लिक करना, जैसे एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको
कौन सी पार्ट एडिट करनी है उस ऑप्शन पे आके यहाँ पे तुम एडिट कर सकते हो। बैकग्राउंड फोटो फोटो चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके, या फिर अपना कोई इमेज अपलोड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम ये सब तो खुद कर लोगे, मैंने जैसा को समझा दिया। अब बात करते गए तुम अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ पे कैसे अपलोड करो, तो गाइस देखो यहाँ पे आना है, ठीक है, इस पेज में आना है, वेबसाइट की इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है मैनेज के ऑप्शन पे। मैनेज के ऑप्शन पे तुम जैसे क्लिक कर दोगे तो मैं दिखा देता हूँ मेरे भाइयों, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हो वीडियोज़, तो गाइस तुम्हें वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे तुम जैसे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने आ गया ऐड योर वीडियो टू गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है, नॉर्मली अपने YouTube का लिंक पेस्ट कर देना है। तो जैसे तुम यहाँ पे अपने YouTube का लिंक डाल दोगे तो आपके सामने आपके YouTube का आपके YouTube की वीडियोज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। आने के बाद मेरे भाइयों क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो ऐड वीडियोज़, तो उस पर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे YouTube पे क्लिक करना है, YouTube पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे अपना लिंक डाल देना है। जैसे तुम लिंक डाल दोगे तो आपके YouTube के सारे वीडियोज़ यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड टू लाइब्रेरी पे क्लिक करना। अब तुम जैसे जैसे वीडियो अपलोड करोगे अपलोड करोगे वैसे वैसे आपका जो वीडियो है इस वेबसाइट में ऑटोमेटिकली अपलोड होते जाएगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया दो स्टेप, वैसे यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करना, तभी जाके आपकी सारी वीडियोज़ आपके वेबसाइट में अपलोड हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे इतना काम करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सारी वीडियोज आपके वेबसाइट में अपलोड होने में। देखो तो यहाँ पे हमारी सारी वीडियोज ना हमारे वेबसाइट में अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद मेरे भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, नॉर्मल से यहाँ पे कट कर देना। कट कर देने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारी जितनी भी वीडियोज है यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुकी है। तुम चाहो तो इसका डिजाइन भी वेबसाइट का यहाँ पे जो हमारी वीडियोज की डिजाइन भी तुम चेंज कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, बैक करता हूँ फिर से। यहाँ पे तुम डिजाइन का ऑप्शन जो देख रहे थे ना, मैं इसे कट करता हूँ मेरे भाइयों फिर से, और यहाँ पे तुम देख सकते हो डिजाइन का ऑप्शन, डिजाइन पे क्लिक करूंगा। अपने हिसाब से तुम यहाँ पे डिजाइन चेंज कर सकते हो, तुम्हें कैसा डिजाइन चाहिए। और ऊपर वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे तुम अपने हिसाब से डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम कैसा किस डिजाइन में अपनी वीडियोज को देखना चाहते हो, अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। जैसे ये देखो ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपकी जो वीडियोज है यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होने शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पे तुम अपने बारे में अपने बारे में इन्फॉर्मेशन अपना डाल सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से तुम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। तो गाइस देखो तुम्हें यहाँ पे सबसे अगर यहाँ पे अपना वेबसाइट कस्टमाइज करने के बाद अपना अपने बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह डालने का, तुम्हें इसे पब्लिश कैसे करना है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो नॉर्मल सा पब्लिश पे तुम जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे पब्लिश एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका वेबसाइट पब्लिश हो जाएगा। तो गाइस देखो बात आता है कि तुम अपना डोमेन लेना चाहते हो, ठीक है, अपने जैसे ujjwalsanthalia.com ऐसा कोई डोमेन लेना चाहते हो वो भी बिल्कुल फ्री में। तो गाइस मैं आपको ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि तुम कैसे एक अच्छा सा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, यहां से आगे तुम अच्छे से अपने हिसाब से तो एडिट कर ही सकते हो। मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप तुम्हें क्या करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे कस्टमाइज करना है, तो उसके हिसाब से तुम करोगे ना तो तुम्हें ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाएगा। बहुत ही ईजी स्टेप है, कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ आपके सामने वाली जो वेबसाइट की टीम है ये ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ करके दे देती है, बस आपको अपना वहां पे इन्फॉर्मेशन डालना होता है। तो गाइस यार देखो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तुम सही से एक और नई फ्रेश ब्रांड वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।